हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रज्वल पाठक और आप इसे मेरा यूट्यूब चैनल पाई गुरु देख रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि हम किस तरीके से किसी इमेज के डायमेंशन जान सकते हैं। ओके, इस वीडियो में हम उन्हीं डायमेंशंस का यूज़ करके इमेजेस को क्रॉप करने वाले हैं। ओके, तो इमेज क्रॉप करने का सिंटेक्स क्या है, हमें क्रॉप फंक्शन का यूज़ करेंगे। ओके, क्रॉप फंक्शन के अंदर हमें चार वैल्यूज़ पास करनी होती है, लेफ्ट, टॉप, राइट, बॉटम। बेसिकली ये बताता है कि हमें लेफ़्ट से कितने पिक्सल क्रॉप करने हैं, टॉप से कितने पिक्सल क्रॉप करने हैं, राइट से कितने पिक्सल क्रॉप करने हैं, बॉटम से कितने पिक्सल क्रॉप करने हैं। ध्यान रखिए कि चारों के चारों वैल्यूज़ मैंडेटरी हैं। ठीक, अगर आप तीन या दो या अगर कम या ज़्यादा वैल्यूज़ या आर्ग्यूमेंट पास करेंगे तो ये आपको एरर देगा। ओके, ये तो बात हो गई लेफ्ट, टॉप, राइट, बॉटम। ये बता रहा है कि लेफ्ट से कितने पिक्सल क्रॉप करना है, टॉप से, राइट से, बॉटम से कितने पिक्सल क्रॉप करने हैं। बट जब हम इसे अप्लाई करेंगे तो हम इसको इस फॉर्म में करेंगे। हम लेफ़्ट से बताएंगे कितना क्रॉप करना है, टॉप से बताएंगे कितना क्रॉप करना है, देन हम बताएंगे कि इमेज की विड्थ में से राइट को क्रॉप करें एंड हाइट में से बॉटम क्रॉप करें। अभी मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा, तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने इमेज क्लास को ऑलरेडी इम्पोर्ट कर रखा है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक इमेज खोलता हूँ, img इमेज डॉट ओपन। ओके, मैं ये फर्स्ट फाइल अपनी खोल लेता हूँ। तो इसको क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको इसको दिखा देता हूँ, इमेज डॉट सो। देखिए ऐसा करते हैं, तो ये देखिए ये मेरे पास एक इमेज खुल चुकी है। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, ये थोड़ा ब्लैक एंड वाइट है, थोड़ा कम समझ में आ रहा है। थर्ड इमेज को मैं अपने खोलता हूँ। अगर मैं इसको रन करूँ, देखिए ये मेरे पास थर्ड इमेज है। ओके, इमेज सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए इसमें लेफ्ट क्या है, लेफ्ट वाला साइड हमारा ये है। ओके, लेफ्ट साइड ये है, देन टॉप साइड क्या है, टॉप साइड ये है, देन राइट साइड ये है, एंड देन बॉटम साइड ये है। ओके, तो जब हम इमेज क्रॉप करते हैं तो पीलो से हम इमेज एक्चुअली क्रॉप कैसे करते हैं, एक्चुअली हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं। ओके, सपोज़ कीजिए कि मुझे इतना क्रॉप करना है, इतनी इमेज जितनी आपको कर्जर दिखाई दे रहा है मुझे इतना क्रॉप करना है, तो मुझे एक्चुअली बताना होगा कि मुझे लेफ्ट से कितने पिक्सल क्रॉप करने हैं, इतना करना है। तो मुझे पिक्सल बताना कीजिए, सपोज 100 पिक्सल। ओके, फिर मुझे बताना होगा मुझे टॉप से कितना क्रॉप करना है। ओके, टॉप से मैं इतना क्रॉप करूँगा, तो सपोज़ ये भी 100 पिक्सल है। नाउ सपोज मुझे बताना है कि राइट से कितना क्रॉप करना है। तो देखिए इस राइट से बताने के लिए पहले हमें क्या बताना होगा कि इसकी विड्थ हमें जाननी होगी, पूरी इमेज की विड्थ। ओके, देन विड्थ में से मुझे 100 पिक्सल माइनस करना होगा। मुझे सपोज़ कीजिए ये 100 पिक्सल है, तो मुझे विड्थ में से 100 पिक्सल माइनस करना होगा। सिमिलरली जब हम यहाँ आएंगे तो मुझे सबसे पहले इस इमेज की हाइट पता होनी चाहिए। ओके, हाइट पता होनी चाहिए, देन मैं हाइट में से 100 पिक्सल माइनस करूँगा। मैं सपोज़ कर रहा हूँ कि मुझे चारों तरफ से 100 पिक्सल माइनस करने हैं ये पाने के लिए। ओके, तो चलिए इसे अप्लाई करके दिखाते हैं। तो इसको क्या करता हूँ, मैं अभी कमेंट कर देता हूँ। ओके, एंड सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि दो वेरिएबल्स लेता हूँ, विड्थ कॉमा हाइट, सॉरी, एंड इसमें मैं क्या करता हूँ, इस इमेज के डायमेंशन को स्टोर कर लेता हूँ। ओके, img.size। ओके, एंड अगर मैं प्रिंट करूँ विड्थ कॉमा हाइट को, विड्थ कॉमा हाइट, देखिए विड्थ 1920 पिक्सल है एंड हाइट 1200 पिक्सल। ओके, तो इस इमेज की जो ये विड्थ है यहाँ तक, ये 1920 पिक्सल है एंड हाइट यानी यहाँ तक 1200 पिक्सल है। ओके, तो अब हम क्या बनाने वाले हैं, एक एक्चुअली बेसिकली एक रेक्टेंगल बनाने वाले हैं। ओके, तो रेक्टेंगल बनाने के लिए इसको सबसे पहले हमें क्रॉप फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ क्रॉप्ड, एंड इसमें हम img.crop को कॉल करते हैं। ओके, img.crop, देखिए मेरा इमेज ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये इमेज ऑब्जेक्ट है, तो इसी पर हम क्रॉप फंक्शन अप्लाई करने वाले हैं। ओके, अब देखिए अगर मैं इसमें मुझे एक ट्यूपल पास करनी है, सपोज़ कीजिए मैं डायरेक्टली पास कर देता हूँ 100, सॉरी, जैसे हम सपोज़ कीजिए मुझे 100 पिक्सल यहाँ नहीं आते, ये मेरा फर्स्ट एग्जांपल है, इसमें मैं आपको समझाता हूँ सब। ठीक, मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल्स ऑलरेडी देख बना के रखे हैं। ओके, देखिए फर्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है कि हमें 100 पिक्सल लेफ्ट से, 100 पिक्सल टॉप से, 100 पिक्सल राइट से, 100 पिक्सल बॉटम से क्रॉप करना है। ओके, तो इसके लिए अगर मैं डायरेक्टली इसको क्रॉप करना चाहूँ तो एक वेरिएबल बनाऊँ अगर मैं क्रॉप्ड, तो अगर मैं इसमें कॉल करूँ img.crop, ठीक, पैरेंथेसिस बनाएंगे, पैरेंथेसिस के अंदर आप एक ट्यूपल वैल्यू पास करेंगे। ओके, सपोज़ ये मैं 100, 100, 100 डायरेक्टली पास करूँ एंड रन करूँ तो मेरे पास एक एरर आ जाएगी, एक्चुअली मैंने इसको शो नहीं किया है, क्रॉप्ड डॉट शो करूँ अगर मैं,
आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए मेरे पास एक एरर है, सिस्टम एरर, टाइल कैन नॉट एक्सटेंड आउटसाइड इमेज। ठीक, ये एरर आ रही है। इसका सिंपली मीन ये है कि ये जो हमने टॉप और लेफ्ट और टॉप की वैल्यूज़ दी हैं ये करेक्ट है, बट हमने जो राइट एंड बॉटम की वैल्यूज़ दी है ये इनकरेक्ट वैल्यूज़ हैं। 100 मतलब इसका मतलब है कि 100 ये विड्थ है, अगर हम डायरेक्टली 100 पास करेंगे तो हम बता रहे हैं कि 100 यहाँ तक आए, मतलब हम बाहर जा रहे हैं, ठीक, इमेज के बाहर जा रहे हैं, इस साइड जा रहे हैं। सिमिलरली जब हम हाइट की बात कर रहे हैं, ये बॉटम की बात कर रहे हैं, तो हम बता रहे हैं कि हम हाइट से भी 100 पिक्सल नीचे जाएंगे, इसलिए ये हम गलत बता रहे हैं। तो हमें यहाँ एक्चुअली क्या करना है, जस्ट विड्थ माइनस 100 करना है एंड यहाँ पर हाइट माइनस 100 करना है। ओके, ध्यान रखिए कि मेरी विड्थ और हाइट यहाँ पर डिफाइंड है। ओके, विड्थ एंड हाइट यहाँ पर डिफाइंड है। ठीक, तो अगर अब मैं रन करूँ तो देखिए मेरे पास इमेज जो है वो 100 पिक्सल चारों तरफ से क्रॉप हो जाएगी। देखिए 100 पिक्सल इधर से, 100 पिक्सल इधर से, 100 पिक्सल बॉटम से, 100 पिक्सल इधर से क्रॉप हो चुकी है। ओके, तो इस तरीके से हम इमेजेस को क्रॉप कर सकते हैं। अभी मैं आपको और एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक, देखिए होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। सपोज मैं क्या करता हूँ, अब सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल क्या करें, मुझे 100 पिक्सल लेफ्ट से क्रॉप करना है, 30 पिक्सल टॉप से क्रॉप करना है, 400 पिक्सल राइट से क्रॉप करना है एंड 300 पिक्सल बॉटम से क्रॉप करना है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं क्रॉप्ड, एंड मैं क्या करता हूँ img.crop फंक्शन को कॉल करता हूँ। इसमें मुझे एक ट्यूपल पास करनी है। तो देखिए लेफ्ट वैल्यू आप सिंपली ऐसे ही पास करेंगे, देन टॉप वैल्यू भी सिंपली ऐसे ही पास करेंगे, बट राइट वैल्यू जो है उसके लिए आप पास करेंगे विड्थ माइनस 400 हमें क्रॉप करना है 400 पिक्सल, एंड जो बॉटम वैल्यू है इसके लिए आप क्रॉप करेंगे हाइट माइनस 300। ओके, अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप डायरेक्टली अगर यहाँ 400 या 300 पास करेंगे तो अगेन आपके पास सेम एरर आएगी, सिस्टम एरर जो आ रही थी अभी, टाइल कैन नॉट एक्सटेंड आउटसाइड इमेज। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको शो करता हूँ क्रॉप्ड डॉट शो। आप देखेंगे यहाँ पर मेरी इमेज जो है वो क्रॉप्ड हो चुकी है। देखिए इमेज इस तरीके से क्रॉप हो चुकी है। ओके, तो इस तरीके से हम इमेजेस क्रॉप कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको कुछ और एग्जांपल से इसको फाइनली समझाता हूँ, इसको भी मैं क्या करता हूँ कमेंट कर देता हूँ। ओके, देखिए अब मेरा जो एग्जांपल कह रहा है, कंडीशन कह रहा है कि मुझे 50% फ्रॉम द लेफ्ट करना है। ओके, सबसे पहले क्या करते हैं कि इस इमेज को शो करते हैं, इस इमेज को मैं शो करता हूँ। देखिए ये है, ये पूरी इमेज है। ओके, मेरा कंडीशन क्या कह रहा है कि मुझे क्या करना है, देखिए 50% फ्रॉम लेफ्ट, ठीक, मुझे 50% लेफ्ट से क्रॉप करना है, लेफ्ट से 50%, यानी मुझे सिर्फ फाइनल इमेज कितनी चाहिए, मुझे सिर्फ इतनी इमेज चाहिए, इतनी इमेज फाइनल में चाहिए। ओके, क्यों, क्योंकि मुझे लेफ्ट से 50% को क्रॉप करना है। ओके, तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इन सबको क्लियर कर लेता हूँ यहाँ तक। ओके, एंड देखिए इसके लिए हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे, क्रॉप्ड एक वेरिएबल बनाते हैं, सॉरी। ओके, एंड क्या करता हूँ मैं कि img.crop फंक्शन को कॉल करता हूँ, img.crop, एंड मुझे 50% क्या करना है, क्रॉप करना है। तो मैं इसमें जो फर्स्ट वेरिएबल है उसको मैं क्या करूँगा, देखिए विड्थ में हमारे विड्थ स्टोर है, ठीक, विड्थ में इस इमेज की विड्थ स्टोर है। ओके, विड्थ वेरिएबल में, तो मैं क्या करता हूँ, अगर विड्थ का हाफ कर दूँ, यानी विड्थ वेरिएबल का हाफ कर दूँ, तो मुझे ये पॉइंट मिल जाएगा, मिड पॉइंट इस इमेज का मिल जाएगा। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, वही करने वाला हूँ। तो मैं फर्स्ट वेरिएबल पास करूँगा विड्थ बाई 2। ओके, देन सेकेंड वेरिएबल हमें टॉप से कुछ नहीं करना, ठीक, तो उसे ऐसे कर देते हैं। देन राइट से भी कुछ नहीं करता, तो उसे सिंपली विड्थ माइनस 0 कर देते हैं। एंड हाइट में, सॉरी बॉटम में से कुछ भी नहीं करना है, तो उसमें से हाइट माइनस 0 कर लेते हैं। ओके, अगर मैं ऐसा रन करूँ, सॉरी एक्चुअली इसको शो करना होगा, क्रॉप डॉट शो करूँ, तो आप देखेंगे कि ये ओप्स, देखिए हमारा जो इमेज है ये क्रॉप हो चुका है। ओके, देखिए इस साइड का जितना पोर्शन था 50% वो क्रॉप हो चुका है, हमें क्या मिला, सिर्फ इतना पोर्शन मिला। ओके, दिखा देता हूँ, मेरे दोनों इमेजेस खुले हुए हैं। देखिए ये ओरिजिनल इमेज है एंड ये उसका क्रॉप्ड वर्जन है। ओके, इसको कट कर देते हैं। देखिए ये ओरिजिनल इमेज एंड अभी हमने क्या किया, इसमें से इतना क्रॉप कर डाला। ओके, तो हमें ये इमेज मिली। ओके, ठीक, होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, अब देखिए मेरा सेकंड कंडीशन जो कह रहा है कि मुझे राइट से 50% क्रॉप करना है। इस बार मुझे राइट से, मतलब इधर से 50% क्रॉप करना है, मुझे मतलब इस गर्ल को हटाना है इमेज में से, मुझे फाइनल इमेज में सिर्फ इतना पोर्शन चाहिए। ओके, इतना पोर्शन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, देखिए
इधर मुझे क्या करना है, लेफ्ट से कुछ नहीं करना है, तो मैं सिंपली लेफ्ट को जीरो कर देता हूँ। ओके, टॉप से भी कुछ नहीं करना तो सिंपली वैसा ही करते हैं। बट इधर मुझे जो राइट पोर्शन है वो क्या करना है, विड्थ बाई टू कर देना है। ओके, तो मैं अगर ऐसा कर देता हूँ, विड्थ बाई टू करता हूँ एंड इसको रन करता हूँ, आप देखेंगे कि जो हमारा इमेज होगा वो क्रॉप हो चुकी होगी। देखिए, गर्ल जो इस साइड थी वो गायब हो गई। ओके, तो हमारा इमेज क्रॉप हो गया, हमें सिर्फ 50% फ्रॉम द राइट से मिला। ओके, ठीक। अब देखिए हमारा जो थर्ड कंडीशन क्या कह रहा है कि मुझे 50% इस बार टॉप से क्रॉप करना है। ओके, टॉप से क्रॉप करना, देखते हैं क्या है, कट कर देते हैं। ओके, देखिए टॉप से क्रॉप करना मतलब, देखिए हाइट वेरिएबल मुझे, मेरे पास इस इमेज की पूरी हाइट स्टोर है। ओके, अभी तक देखिए हमने टॉप से और राइट से 50% क्रॉप करने के लिए विड्थ वेरिएबल का यूज़ किया, ठीक, सॉरी लेफ्ट से राइट से क्रॉप करने के लिए हमने विड्थ वेरिएबल का यूज़ किया। नाउ मुझे अगर टॉप एंड बॉटम से क्रॉप करना है तो मुझे हाइट वेरिएबल का यूज़ करना होगा। ओके, तो मेरा फर्स्ट कंडीशन क्या करे कि मुझे टॉप से 50% क्रॉप कर देना है, मुझे मतलब इतना पोर्शन इमेज का गायब कर देना है। तो जो फाइनल इमेज है मुझे इतनी मिलनी, इतनी इमेज चाहिए। ओके, तो इसके लिए हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे। देखिए मुझे लेफ्ट से कुछ नहीं करना, टॉप से करना है एंड बॉटम से कुछ नहीं करना, तो इसे विड्थ माइनस जीरो कर देते हैं। एंड सॉरी, राइट से कुछ नहीं करना तो विड्थ माइनस जीरो कर दिया, हाइट से कुछ नहीं करना तो हाइट माइनस जीरो कर दिया। एंड ऊपर से 50 बाई करना है तो मैं सिंपली इसको यहाँ हाइट बाई टू करता हूँ, तो मुझे इस इमेज का मिड पॉइंट मिल जाएगा। ओके, मुझे इस इमेज का यहाँ तक मिड पॉइंट मिल जाएगा एंड वहाँ पर क्रॉप हो जाएगा। ओके, अगर मैं इसको रन करूँ, देखिए थोड़ी देर में क्रॉप हो जाएगा। देखिए मुझे सिर्फ नीचे का पोर्शन मिला, तो ऊपर से 50% क्रॉप हो चुका। ओके, एंड सिमिलरली जो मेरा आखिरी कह रहा है 50% मुझे क्या करना है, बॉटम से क्रॉप करना है, तो मैं क्या करता हूँ, देखिए इस बार मैं लेफ्ट से कुछ नहीं करना, टॉप से कुछ नहीं करना, तो यहाँ ऐसे ही कर देते हैं। ओके, एंड मुझे राइट से भी कुछ नहीं करना, बट मुझे क्या करना है, बॉटम से 50% काटना है, तो हाइट का अगर हाफ कर दें, ठीक, तो ऐसा करें तो आप देखिए मुझे नीचे का पोर्शन गायब हो जाएगा, सिर्फ ऊपर का पोर्शन मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से हम इमेजेस को क्रॉप कर सकते हैं। ओके, ठीक, तो होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। एक फाइनल एग्जांपल से मैं इसको कंक्लूड करना चाहता हूँ। एक बात और ध्यान रखिए कि अगर आप कुछ उल्टे सीधे डायमेंशन देते हैं, सपोज़ कि विड्थ कम है और उससे आप कुछ ज़्यादा क्रॉप करना चाहते हैं, तो आपके पास सेम वही एरर आएगी जो अभी आ रही थी। ओके, एक एग्जांपल से मैं इसको फाइनली कंक्लूड करना चाहता हूँ। ओके, सपोज़ कीजिए मुझे क्या करना है कि 300 पिक्सल सपोज़ कीजिए चारों साइड से क्रॉप करने, तो मैं क्या करता हूँ, क्रॉप्ड, ओके, img डॉट क्रॉप, देन एक ट्यूपल हमें पास करना है, तो लेफ्ट के लिए सिंपली 300, राइट के टॉप के लिए सिंपली 300, देन राइट के लिए हमें जानते हैं विड्थ माइनस 300 करना पड़ेगा, सॉरी, एंड बॉटम से क्रॉप करने के लिए हाइट माइनस 300 करना पड़ेगा। ओके, ऐसा हमने कर दिया। एंड अगर मैं क्रॉप डॉट शो करूं, ओके, तो आप देखेंगे कि जो मेरे पास इमेज है वो क्रॉप हो चुकी होगी। देखिए इमेज क्रॉप हो चुकी है, 300 पिक्सल चारों साइड से क्रॉप हो चुकी है। एंड सपोज मुझे कीजिए कि मुझे इसको सेव करना है, तो मैं क्या करूँगा, क्रॉप डॉट सेव, एंड यहाँ पर मैं इसका नाम लिख लेता हूँ, अभी क्या है ये 3 है ना, तो 3 क्रॉप, ओके, डॉट jpg कर देते हैं। ओके, एंड इसको रन करते हैं, ठीक। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरे पास क्रॉप्ड इमेज एक शो हो गई, ये देखिए क्रॉप्ड इमेज यहाँ पर सेव हो गई है। तो इस तरीके से हम इमेज क्रॉपिंग कर सकते हैं PIL में। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।